हो रही हमारी तैयारियां घर जाने के लिए। देखिए पैकिंग शैकिंग हुई है, ये 2 घंटे बाद तैयार हुई है। 8 बजे निकलना था हमने, 10 बज गए। नायशा बिल्कुल रेडी है। नायशा चलें फिर अब घर को, चलिए रुकना यहीं पे। नायशा रुक जाओ, यहाँ रुक जाओ प्लीज, आपको मैं घूमने ले जाऊंगा, रुको। उसको बड़ी भारी रिश्वत दी जा रही है। हाँ जी, 2 दिन के बाद आऊंगी। 2 दिन के बाद आऊंगी, ये 2 दिन के बाद आएगी। अभी आप कब आओगे? 2 दिन के बाद बोला। बोला ना, आप बोलो, नानू को बोलो कि चलो हमारे घर चलो, नानी को बोलो। अच्छा नहीं हो, अच्छा नानी हो, अच्छा नानी, ठीक है ठीक है मम्मी, ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, बाय बाय। तो बाय बाय हो रही है ब्रो, तूने कब जाना वापस शिव धर्मशाला? कल जाना, वो चलो यार, जीजू कोट खाई कब आएंगे? शिव कब आएगा? मैं तो अभी बोल रही हूँ, चलेगा? ठीक है बाय, ठीक है आंटी, बाय बाय, मिलेंगे जल्दी, फिर से आएंगे हम, ठीक है, बाय जीजू। ये पू का घर है यहाँ पे, फिर से हम लोग रुके 2 मिनट आंटी घर से मिले, ऊपर दादी बैठी है, दादी दिखाई दे रहे यहाँ से, जल्दी आना दी। ठीक है ठीक है जी, ओके ओके, पक्का पक्का पक्का, बाय शिबू, अब फाइनल बाय हो रही है, ठीक है ना? ठीक है फिर शिबू, फोन करूंगा। तो अभी हम लोग जलोड़ी पास पहुंच गए हैं और घाघी से लेकर यहाँ तक बिल्कुल स्टीप चढ़ाई है और यहाँ से नीचे ये पास है और यहाँ से नीचे को अब उतराई शुरू हो जाएगी। और आजकल इधर टूरिस्ट ही टूरिस्ट है क्योंकि एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, यहाँ से सिरोंसर के लिए भी ट्रैक जाता है, मैंने एक व्लॉग में आप लोगों को बताया था। तो अभी हम पहुंचे हैं जी जलोड़ी से नीचे, बहुत ही खूबसूरत वादियों में, जंगल ही जंगल के बीच में। 5-1 मिनट आराम करते क्योंकि कुल्लू में तो काफी गर्मी थी। कुल्लू में नहीं थी, भुंतर के भुंतर में थी, और पर बंजार तक भी गर्मी थी। उसके बाद अब थोड़ा ठीक हुआ मौसम, ठंडा ठंडा, तो मैंने कहा चलो नायशा को थोड़ा, ये भी उठिए सोकर, ये सोई हुई थी, इसके मजे हैं। बस अब इसके बाद चले, अब 5 मिनट रुकते फिर चले आनी, और आनी में करेंगे हम लंच, करेंगे आनी में, है ना जी? हाँ, आनी में लंच करके फिर निकलेंगे सीधा घर की तरफ, है ना नायशा? और एक चीज, जब भी आप कभी आनी की तरफ से कुल्लू की तरफ को जाए, ये बीच में जो जलोड़ी दर्रा पड़ता है, या कभी कुल्लू की तरफ से आए, तो यहाँ पर गाड़ी बिल्कुल ही आराम से चलाएं क्योंकि ये बिल्कुल डाउन ना, तो यहाँ पर मैक्सिमम टाइम जो होता है, चाहे जैसी मर्जी गाड़ी हो, महंगी गाड़ी हो, सस्ती गाड़ी हो, ये इसके टायर गर्म हो जाते हैं जितना आप, क्योंकि ब्रेक के सहारे चलेंगे ना उतराई में, उतने टायर गर्म हो जाते हैं और ब्रेक नहीं, ब्रेक नहीं पकड़ पाती, इसलिए यहाँ पर कई को आइडिया नहीं होती है, वो अपने से तो तेज चलेंगे और या ब्रेक के सहारे चलते, कोई आराम से भी चलता है पर बिल्कुल ब्रेक के सहारे चलता है, तो उससे क्या हो जाता है, ये चक्के गर्म हो जाते हैं और फिर ब्रेक नहीं लग पाती, इसलिए आप जब भी बहुत सारे एक्सीडेंट्स उस रोड में होते रहते हैं, आपने सुना होगा यहाँ पर जो जलोड़ी में जाते हैं ना कुल्लू की तरफ, तो बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हुए हैं, बहुत ही ज्यादा, और ना हर जगह पे वहाँ पे लगे हुए भी है, बोर्ड लगे हुए कि पहले और दूसरे गियर पर ही चले, गियर पे चलो, वहाँ पे गाड़ी स्लो चलनी चाहिए और चले, और बीच बीच में ना रुक रुक के जाए, अब जब थोड़ा सा चले और फिर गाड़ी को थोड़ा सा ठंडा होने दे, उसके बाद चला के फिर अपना ब्रेकों को थोड़ा आराम भी मिल जाता है। शोजा में ना रेस्ट करना चाहिए जब उतराई में आप जाते हैं, जलोड़ी से वापस जाते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखें। जितने भी बाहर की गाड़ी होती है, चलो यहाँ तो जो लोकल है उनको तो आइडिया, फिर भी आराम से चलते हैं, बाहर के लोगों को पता नहीं चलता है, इसलिए जब भी आप आए तो थोड़ा सा रुक रुक कर आए, क्योंकि ना काफी सारी दुर्घटनाएं इस रोड में हमें आए दिन देखने को मिलती हैं कि मैक्सिमम जो गाड़ियां होती है वो बाहर के जो टूरिस्ट होते हैं घूमने आते हैं, भी टाइट रोड है ना, लोगों के वहाँ मोड़ वाला भी है, इसलिए आपको आराम आराम से चलना पड़ता है, ऊपर को स्टीप चढ़ाई और नीचे को बहुत ही ज्यादा उतराई है रोड में, इसलिए ध्यान से चलें जब भी, ठीक है जी, क्योंकि बाहर के लोगों को आइडिया नहीं होता ना कि पहाड़ों में किस तरह से चलना, कई बार दिक्कत आ जाती है जी, तो चलें, चलें जी, ओके जी। तो हम लोग पहुंच गए, अन्नी और अंकित ने नायशा के लिए ला दिए कुछ टॉयज वॉयज, और नायशा पागल ही हो गई टॉयज देख के, इधर इधर आओ पहले, क्या क्या है, सुषमा मंजू, नवीश निवास, सुषमा मंजू, सब घर जाके देखना, अब घर जाकर इसको मैं आपको एक दे देता हूँ बस, किचन सेट ना देखने के लिए, लो ये वाला आपको किचन सेट, लो एक ये भी आपके लिए, एनिमल्स कौन से, बहुत सारे एनिमल्स, ये किचन सेट है ये वाला, ठीक है बाकी देखेंगे हम इसको बाद में। नायशा क्या खा रहे हो?
क्या खरी इधर इधर जा सड़क में रोड में जा रही है इधर को चलो चल चल इधर चल रोड में जाना तू सकता हूँ कहाँ पहुँचे भी किंगल पहुँचने वाले हाँ सॉरी हाँ 12 किलोमीटर है ना रहना कैसे ओके तो ये देखिए जी इसके सारे कपड़े गंदे हो गए आपको टेस्ट लग रहा बहुत एक बार अपनी शक्ल दिखाना जरा वाला जो ना माता रानी के लिए गया हाटू हाटू पे के लिए हाटू माता के लिए यहाँ से गया ये वाला जो ऊपर हो गया यहाँ से हम लोग सीधे जाएंगे अपने घर की तरफ अपने गांव की तरफ जी बाकी जंगल के बीच बीच से रास्ता जाता है बहुत ही सुंदर सा रास्ता है देखो मम्मा कितना प्यारा रास्ता है ना जाम लगा है और ये इसलिए एंजॉय कर रहे हैं जाम लगा है जाम का पूरा फायदा उठाते हुए देखिए पहाड़ी ऐसे होते हैं जाम लग जाए तो नाचना शुरू कर देते हैं शायद जाम खुल गया सिटी में जा रहे हैं नहीं बच्चा जा रहा है सिटी बच्चा अंदर गाड़ी में बच्चे पिकनिक मनाने के लिए यहाँ पर हमारे छोटे छोटे से सब्सक्राइबर्स हम लोगों से मिलने आए हैं बेटा कहाँ से हो आप लोग कहाँ से कोटरू से घूमने गए थे पिकनिक पे गए थे कहाँ गए थे हाटू कैसा रहा टूर अच्छा रहा मजा आया कहाँ देखिए वीडियो मेरी यूट्यूब में देखिए नायशा को देखा उसमें वीडियो में ये देखो यहाँ पे नायशा तो छोई हुई है ये देखो यहाँ पे ये देखो दीदी जाए दीदी आई हुई देखो यहाँ दीदी आई उठ गई देखो देखो तीन तीन दीदी आई छोटी छोटी मिलने आपसे ये देखो कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हुए भी आप ओके 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 नायशा देखो दीदी दीदी लोग कहाँ हैं तो कह दो बेबी ये ना अभी अभी सोकर उठी है बेटा हम आए मैं कुल्लू दादू आ गए दादू नमस्ते बाबा नमस्ते जी दादू भाई दादू दादू अभी आएंगे भाई दीदी दीदी बोल रहे और घर पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो गया हम लोगों को क्योंकि जाम लगा आज भी रास्ते में आजकल टूरिस्ट बहुत आ रहे हैं पहाड़ों की तरफ एक डॉल छुम्पा दीदी की एक डॉल मंजू की है दे दो और ये बनाना भी दे दो बनाना नहीं मैंगो है हेलो सुषमा मंजू आराम से दो आराम से दो बेबी ढंग से दो सुषमा नमस्ते सुषमा आज ये खाए और ये मैंगो दे दो इनको ये भी दे दो इनको ये भी दे दो इनको ये मंजू को दे दो खाए आज इसके पास दे दो एक मंजू को एक लो छुबा खाने दो में दो ऐसे नहीं देते बेटू ढंग से देते हैं दो में दो द्वार से ले वापस द्वार से लो वापस ढंग से दो आदमी की तरह अब हैंडो में दे इसको आदिव के ऊपर मत गिराना बेटे हाँ चलो चलो अब आ जाओ प्यारा आदिव है नायशा प्यारा आदिव है चलो आ जाओ अब देखो ऊपर भाई बैठे हो देखने चलो गीता कहाँ है गीता कहाँ है बेटे कहाँ है तेरे दांत तीन दांत निकले गीता कहाँ है गीता अच्छा ठीक है नमस्ते गीता और ठीक है गीता ठीक है ना शुरू ये देखिए मींच और माच यहाँ पे उछलने लगे बंद ये है नमस्ते करते पहले सबके पास नमस्ते जी नमस्ते जी नमस्ते जी नमस्ते जी हेलो नमस्कार मोहन भाई ठीक है लो 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 पकड़ो 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 थैंक यू बोलो
आप थैंक यू बहुत जल्दी थैंक यू आपकी तो दुश है नमस्कार जी नमस्ते जी नमस्ते जी रुक जाओ रुक जाओ नाइशा अब खोलूंगा हाँ जी हाँ जी नाइशा पहले यहाँ से मिलो यहाँ के पास जाओ जल्दी से जल्दी जाओ यहाँ के पास बुआ के पास अब यहाँ के पास आ जल्दी से जल्दी जाओ जल्दी से जल्दी दे दो ए दिखाओ जरा मेरे को दिखाओ क्या है ओ भाई हे बड़े वाली बंदूक अपने दादी को दिखा दो क्या हो ये राम राम ये मैं चाहिए ये मेरी माँ ये ओ कैसे वो दिखा नहीं हुआ